उसे गोली क्यों नहीं मारी? सिर्फ नहीं पकड़ पाए। और ये? ये हमें सुबह के वक्त मिला। ये भागना चाह रहा था लेकिन हमने इसे भागने नहीं दिया। अब ये आपके हवाले। ठीक है कुर्सत। यस कैप्टन। इसे किसी मुनासिब जगह पर ले जाओ और शवाज से कहो कि इंतजाम करे सारे। ठीक है मैं ले जाता हूं इन्हें। उठो चलो, चलो अपने पैरों पे। कैप्टन ये ठीक है, कुछ खास नहीं। अरे रुको, रुक जाओ। तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तुम लोगों की वजह से ये शहीद हो गया। तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा। कैप्टन रुक जा। जान से मार दूंगा। जान से मार दूंगा वैसे। छोड़ दो मुझे। छोड़ दो मुझे। कैप्टन। जान से मार दूंगा इसे मैं। कैप्टन बस कर। इनकी वजह से, इन लोगों की वजह से हमारा सिपाही शहीद हो गया। उसके खून के एक एक कतरे का हिसाब लूंगा मैं। कुर्सत, कुर्सत रिलैक्स, रिलैक्स हो जाओ। चलो अब जाओ यहाँ से। कुर्सत इसकी वजह से शहीद हुआ है। मैं माफ नहीं करूंगा इसे। बस नहीं करूंगा मैं इसे। हौसला रखे, संभाले खुद को। कुर्सत रिलैक्स हो जाओ और जाओ यहाँ से। कुर्सत जाओ यहाँ से। गालिब, चलो उठो, जल्दी करो, उठो, अंदर ले जाओ इन्हें। Thank you.
अम्मी जल्दी करें। आ रही हूँ बेटा, आ रही हूँ। जल्दी करें, मुझे देर हो रही है। तुम्हें मेरी वजह से देर हो गई ना यिल्डिज़, आई एम सॉरी। मैं तो वैसे ही जल्दी करने का कह रही हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। बेराम की कॉल होगी। हाँ बेराम की कॉल है। हेलो, कैसे हो डियर? ठीक हूँ मैं, ठीक हूँ। तो तुम कैसे हो? हाँ हम ठीक हैं, आपा के साथ अल्ट्रासाउंड के लिए जा रही हूँ। अच्छी बात है, सब खैरियत से हो। तुम ठीक तो हो ना? बैराम को मेरी दुआ कहना, अल्लाह उन सबको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे। बैराम आप आपको सलाम कह रही हैं। मेरी तरफ से भी। और यिल्दिज़ भी आपकी खैरियत पूछ रही है। सब कुछ ठीक है ना वहाँ? हाँ हाँ सब ठीक है, ठीक है, सब ठीक है। बैराम मुझे तुम कुछ ठीक नहीं लग रहे। वहाँ कुछ हुआ तो नहीं ना? हाँ नहीं नहीं खदीजा, सब ठीक है यहाँ, कुछ नहीं हो रहा, परेशान मत हो। रोज शाम में टीवी देखते हैं हम लोग, बहुत एंजॉय करते हैं यहाँ। तुम परेशान मत हो ना। एरिन कैसा है? बाबा कैसे? ठीक है ना? अम्मी सब ठीक है। यू नो एरिन कह रहा था कि उसको एक डॉग चाहिए बेबी के आने से पहले। इनफैक्ट उसने तो उनकी एक तस्वीर भी बना ली है बेबी और डॉग की, जैसे वो लोग किसी पिकनिक पे गए हुए हों और फिर पहाड़ों पे जाते हैं। कैन यू इमेजिन, उसने उसका नाम भी रख लिया और मुझे बताया था रात को। क्या था नाम? हेलो बैराम तुम हो ना लाइन पे? खतीजा मैं फोन रख रहा हूँ, लाइन कट रही है, फिर बाद में फोन करता हूँ। ठीक है, अपना ख्याल रखना, खुदा हाफिज। अच्छा ठीक है, सिग्नल्स भी ठीक नहीं आ रहे। अच्छा चले कहीं हम चलो, चलो बेटा चली करो, चलो। फुर्सत, बाहर हर कोई आग बगोला हो रहा है, कोशिश करो खुद को संभालो मेरे भाई। ठीक है? ठीक है कैप्टन, शायद आपको उसके मरने का गम नहीं हुआ। तो क्या करूं फिर मैं? गोली मार दूं मैं उसे, क्या करूं? वो आदमी दहशतगर्द है फुर्सत, वो दहशतगर्द है। वो तो हंसेगा जब किसी की जान लेगा, यही तो वजह है कि हम दहशतगर्द कहते हैं उन्हें। तुम्हें सांप पर गुस्सा आ रहा है इसलिए कि वो जहर आलूद है? हाँ? क्या सोच रहे हो बोलो। कुछ नहीं सोच रहा कैप्टन। ठीक है जाओ आराम करो जाके, ठीक है, उसके बाद देखेंगे क्या करना है। जैसा आप कहें कैप्टन। आसिया मैडम, कुबला है? आप ठीक तो हैं? मैं ठीक हूँ कुबला, मैं ठीक हूँ। आप अभी तक तैयार नहीं हुई कुबला? मैंने तुमसे कहा था ना कि आज हम नहीं जा रहे। ना जाने की वजह? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? नहीं ठीक हूँ मैं। तो आखिर मसला क्या है मैडम, बताएं तो सही। असल में हमारी कल फोन पर बात हो रही थी। किससे? कैप्टन कागान से।
आपकी उनसे क्या बातें हुई बताएं मुझे। कुबलाय, हम बात ही कर रहे थे कि आवाजें आने लगी गोलियों की। कुछ हुआ है कुबलाय, शायद हमला हुआ है उन पर, और उसके बाद उसका फोन भी बंद हो गया। इतनी बार कॉल करने पर भी नहीं उठाया उसने। हो सकता है कि खबरों में कुछ आ जाए, या तुम कुछ जानते हो बताओ मुझे, कुछ जानते हो इस बारे में? ठीक है, पुरसुकून हो जाए। क्या हमें कमांडर के पास जाना चाहिए? शायद वो कुछ जानते हो, लेकिन अगर ऐसा कुछ होता तो पहले तो उसकी फैमिली को इन्फॉर्म करते ना, क्या उनके पास जाए? ठीक है मैडम, मैं मालूम करता हूँ। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर उसकी फैमिली को पता नहीं हुआ तो हम तो उसे परेशान कर देंगे ना। मेरे ख्याल में कमांडर के पास जाना ही बेहतर होगा। एक मिनट। आशा मैडम, ठीक है, रुक जाए, पुरसुकून हो जाए। शायद आप भूल रही कि वो स्पेशल फोर्स के कैप्टन हैं। उनके लिए ऐसे हालात आम सी बात है। आपको इसे परेशान नहीं होना चाहिए, वो अपना फर्ज निभा रहे हैं। क्या आप चाहती है कि आप उनके लिए रुकावट बने? नहीं। हाँ तो बस सब्र से काम लीजिए, देखिएगा वो खुद आपसे रब्ता कर लेंगे जैसी उन्हें फुर्सत होगी। और आप भी अपनी ऐसी हालत बनाकर ना रखें, उनके लिए अच्छा सोचें। और अगर कोई मसला हो तो आप मुझे कॉल कर लीजिएगा, ठीक है? लेकिन कुबलाय, अपना ख्याल रखिएगा। शहीद को सलाम पेश करने के लिए फायरिंग पोजीशन में आ जाओ साहब, बंदूक के ऊपर, तैयार, फायर, 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 बंदूक के नीचे। शहीद को रुखसत करने के लिए पोजीशन संभाल लो, आगे बढ़ो।
क्या हुआ डॉक्टर? तुमने उसे गोली क्यों नहीं मारी? नहीं मार सकी। क्यों नहीं मार सकी बताओ मुझे। डॉक्टर, तुमसे कहा था ना मैंने, उसे फौरन मार दो। डॉक्टर, गन नीचे कर दें आप। उसने सामान जला दिया मेरा। कितने वक्त से जखीरा किया हुआ था ये सामान, लेकिन उसने जला कर राख कर दिया और तुम होके उस पर गोली नहीं चला सकी। क्यों? ठीक है, फिर मार दें आप मुझे, अगर ये ठीक लगता है आपको डॉक्टर। अगर यहां आज तुम्हारी जगह अलमास होती तो मैं जरा भी हिचकिचाता नहीं, ये तुम अच्छी तरह जानती हो। ये गन जो तुम देख रही हो बहुत कदीम है ये, और चलने में भी बहुत अच्छी है। आपको जो बोलना था बोल लिया आपने? तुमने उसे गोली क्यों नहीं मारी? हाँ, वो वही कैप्टन था जो उस दिन कर्नल के पास था। क्या? मैंने पहचान लिया था, वही था जिसने मुझ पे गोली चलाई थी। तुम्हें यकीन है? मुझे पूरा यकीन है, वही था। लेकिन ये कैसे हो सकता है? तुम पहली बार किसी सिपाही को देखकर गोली नहीं चला सकी, कई सिपाहियों को मारा है तुमने। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, मगर ये निशान उसकी वजह से है। आज मैंने जब उसे दूरबीन से देखा तो बहुत परेशान हो गई थी मैं। वो बहुत खतरनाक है। ये सच है कि मैंने बहुत से सोल्जर्स मारे हैं, लेकिन इससे अजीब खौफ आ रहा था, पता नहीं क्यों। कर्नल तक मेरा पैगाम पहुंच गया और उसने मुझे जवाब देने के लिए अपने सिपाही भेजे हैं। इसका क्या मतलब हुआ? बताता हूँ, इसका मतलब इब्राहिम को पोज ने मुझसे मुकाबला करने के लिए अपनी बेहतरीन सिपाही को भेजा। वो सिपाही, वो कैप्टन उसका खास आदमी है, उसकी खास टीम का कैप्टन। आ जाओ मेरे साथ। वो उसकी सोर्ट टीम का कैप्टन है। कागल, या मेरे अल्लाह, इसको भी अभी गिरना था। क्या किया है ये मैंने? उफ, हेलो। क्या हुआ, किससे लड़ रही हो? कागान, कैसे हो तुम? ठीक हूँ मैं, ठीक हूँ। ओह, मैं बहुत डर गई थी तुम्हारी। आप सिर्फ सरकारी मुलाजिम हैं, आप इस यूनिफॉर्म के बगैर मुझे छू भी नहीं सकते। यूनिफॉर्म? क्या हो रहा है कमांडर? हम इस वीरान जगह पर क्या कर रहे हैं? आप हमें कहाँ लेकर जा रहे हैं?